गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन द जीनियस एकेडमी। आप लोगों का जीनियस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप लोग देखेंगे इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि मैंने आपको बेसिक जानकारी, जिसमें कार्य ज्ञान की बात किया गया, मात्रा के बारे में बात किया गया और नाम लिखना आपको सिखाया गया। साथ ही साथ एक ग्रामर भी मैंने पढ़ाया था जो कि कैन ग्रामर था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको बढ़िया से पढ़ा होगा। ठीक, आइए आज अगला ग्रामर हम देखते हैं। अगला ग्रामर होगा माइट। माइट का प्रयोग, आइडेंटिटी, साथ सकता है, शक्ति है, शक्ति, इन सभी के साथ साथ सकता है, साथ शक्ति है, साथ सकते हैं शब्द आएगा तो उसे हम कहेंगे माइट। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। पहचान का मतलब हम कैसे जानेंगे? ठीक है, साथ सकता है, साथ सकती, साथ सकते, साथ बजा सकता है, साथ तुम लिख सकते हो, साथ मैं बोल सकता हूँ, साथ वह खेल सकता है, तो जितने भी वाक्य होंगे सब में क्या आएगा? साथ रहेगा और सकता है, सकती सकते रहेगा। आगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सब्जेक्ट माइंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा प्रयास होगा कि 10 मिनट की वीडियो बने। ठीक, 10 मिनट से ज्यादा ना होने पाए, कोशिश करेंगे, आप अवगत कराएंगे 10 मिनट के लिए। ठीक है, 10 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत होगा तो 15 मिनट, बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो तो 15 मिनट। ठीक, 10 मिनट ज़्यादा नहीं, 10 मिनट क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट माइंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में शायद, मोहन जा सकता है, शायद मोहन जा सकता है। तो आप देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। इसमें ढूंढिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट परिभाषा मैंने बताई थी कि जो किसी काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें ध्यान दो कि काम करने वाला कौन है, मोहन है। ठीक, तो मोहन लिख दीजिए, मोहन। तो आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट आपका पूरा हो गया। फिर लिखा क्या है, माइट। फिर माइट लिख दीजिए, माइट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जाना। जाना होता है गो, गो माने जाना। मोहन माइट गो। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं रखेंगे। फिर एक एग्जांपल अगर हम और कहें, शायद शायद संगीता किताब पढ़ सकती है, तो आप लोग इसको आप बना सकते हो। सबसे पहले ध्यान देना है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने क्या होता है, जो किसी कार्य को करता है। तो इसमें देखो काम को करने वाला कौन है, संगीता।
तो पहले लिखिए संगीता, संगीता हो गया, ये आपका प्रथम सब्जेक्ट क्लियर हो गया। फिर क्या यूज करना है, माइट लिखना है, यहाँ पे लिखोगे माइट, संगीता माइट। उसके बाद फिर आप देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है, वर्ब की परिभाषा क्या होती है, जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। तो कौन सा काम हो रहा है बताओ, इसमें शायद संगीता किताब पढ़ सकती है, तो पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ना माने क्या होता है, रीड। तो संगीता माइट रीड। लास्ट में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट परिभाषा मैंने क्या बताई, मैंने ये बताया कि हम जिसको एक आधार मान के कार्य करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें आधार किसको मान रहे हो बताओ, किताब को आधार मान रहे हो, किताब की इंग्लिश क्या होती है, बुक। तो क्या बन जाएगा, संगीता माइट रीड बुक। अगर इसमें निगेटिव बनाना है, निगेटिव माने नकारात्मक, पहले वाले में देख लो शायद मोहन नहीं जा सकता है, तो क्या होगा, मोहन माइट नॉट, यहां लगा दीजिए बस, मोहन माइट नॉट को अगर निगेटिव बना रहे हो तो। दूसरा, शायद संगीता किताब नहीं पढ़ सकती है, अगर नहीं शब्द के साथ लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा, संगीता माइट नॉट रीड बुक। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ 7-8 मिनट का समय भी हो गया होगा। चलो एक ग्रामर और कर देते हैं, दो ग्रामर करेंगे जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ पाए, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा ग्रामर, कूड। कूड का प्रयोग, आइडेंटिटी, सका, सकी, सके। कुड का प्रयोग की बात करेंगे तो इसी पहचान, आइडेंटिटी माने पहचान, जिस वाक में सका सकी सके शब्द आता है तो उसे हम कहेंगे कुड, कुड ग्राम, ठीक है। या मॉडल ग्रीस की बात करेंगे तो कुड, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग, स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर की हिंदी मैंने आपको बताया क्या होता है, संरचना या बनावट, कि हम अनुवाद कैसे करते हैं, कौन सी चीजें लिखते हैं, उसके बाद कौन सी चीजें लिखते हैं, उसके बाद कौन सी चीजें लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद कूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें, मनीष गाना गा सका, मनीष गाना गा सका। अब आप देखिए जब इसका अनुवाद करते हो तो सबसे पहले क्या ढूंढते हो, सब्जेक्ट। अब ध्यान दो, मनीष गाना गा सका तो काम करने वाला कौन है, मनीष, तो सबसे पहले लिखोगे मनीष। उसके बाद आता है कुड, कुड की स्पेलिंग COUND, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, COUND ये कैसे है, कुड का प्रयोग कैसे है, तो भी आप इसकी गहराई में नहीं जाएगा, सिर्फ भी इतना समझना कि COUND कुड लिखा कुड दुख रहा है, पढ़ा कुड दुख रहा जाता है। थोड़ा सा आप बाद में इसको पढ़ाएंगे कि हम क्यों इसको स्लैंग पढ़ते हैं, ठीक, क्यों उस चीज़ें लिखी होती नहीं पढ़ी जाती हैं, इसको बाद में हम पढ़ाएंगे, पहले तो आप ग्रामर को पढ़ते चलिए। देखिए मनीष कुड, या फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मनीष गाना गा सका, गाना तो होता है सिंग,
और गाना मतलब गीत, गीत मतलब सॉन्ग, तो मनीष कुड सिंग ए सॉन्ग। मैं अभी इजी इजी सेंटेंसेस करके पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोग इसमें हैबिट में आ जाएंगे तो फिर इसको बढ़िया से आगे कठिन कठिन जो सेंटेंसेस उसको भी ला लेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, जैसे हम बात करें राधा नाच सकी, इसका उम्मीद है कि आप लोग इसको बना पा रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है, काम को कौन कर रहा है, राधा, राधा। उसके बाद कुड है, कुड लिख दीजिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाच, नाच सकी मतलब नाचना, डांस। ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो क्या होता है, राधा कुड डांस, राधा नाच सकी। अगर इसमें निगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है, ना शब्द आए तो मनीष गाना नहीं गा सका, कुड के बाद नाट लगा दीजिए। राधा नहीं नाच सकी तो राधा कुड नॉट डांस बन जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं और आपका होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क होगा इसमें से 50 सेंटेंस लगभग आपको कुड वाले से बनाना है, और इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, माइट, तो माइट वाले में से 50 बनाना है, ठीक। 100 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, तो आप जब बनाओगे तो आपको थोड़ी समस्या होगी कि सर हमको मीनिंग्स नहीं पता है, हमको वर्ब नहीं पता है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपको छोटी छोटी मीनिंग्स पता हो, आना जाना, खेलना पढ़ना, ठीक, उठना बैठना, हंसना गाना, जो छोटी छोटी मीनिंग्स है उसके आधार पे आप कोशिश करिए, बनाने का प्रयास करिए, ठीक। उसके बाद हम धीरे धीरे आपको सारी चीज़ देते रहेंगे, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक। और एक काम आपका ये रहेगा, यदि आप पूरी लगन से पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा कमेंट करके हमको बता देना, ठीक, कमेंट कर देना कि हाँ सर हम पूरी लगन से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मैं वीडियो को लगातार बनाता रहूँगा, आप उसको आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये मत सोचना कि एक दिन में छोटे छोटे वीडियो चल रहे हैं, क्या करेंगे क्या कर लेंगे, ठीक। मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक सफलता की शुरुआत एक एक कदम से होती है, ठीक। एक एक कदम चलेंगे तो आप सफलता की सीढ़ी तक पहुँचेंगे। और महात्मा गांधी की जो एक लाइनें हैं, सबसे पहले वे आपको नज़रअंदाज करते हैं, फिर आप पर हंसते हैं, उसके बाद आपसे लड़ते हैं, फिर आप जीत जाते हैं। तो आप जब आप मेहनत करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तो कुछ लोग हो सकता है मजाक भी बनाए कि ये क्या सीख रहे हो, अंग्रेजी कहाँ आएगी। आप किसी भी उम्र के हैं, ठीक, अगर आप बुलंद इरादों के साथ सीखना चाहते हैं तो कोई चीज़ आसान असंभव नहीं होती, ठीक। हर एक चीज़ आसान है, बस आपका इरादा आपको दर्शाता है कि आपका इरादा कितना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप मन लगा के पढ़ेंगे, होमवर्क का क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।